Hi friends, welcome once again in my YouTube channel. In this video series, I am discussing about all the topics of class 10th students. In this video lecture, we will discuss about RH factor. आप सभी को पता है हमारे स्टूडेंट्स को कि हम लोग आजकल सर्कुलेटरी सिस्टम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और हमारे इस वीडियो लेक्चर में आप डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं. आप सभी को बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेंगे रिगार्डिंग RH factor. RH फैक्टर का पहले तो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसका नाम RH फैक्टर क्यों रखा गया. व्हाई इट इज कॉल्ड RH फैक्टर. सो एक्चुअली में हुआ क्या कि फर्स्ट टाइम इस फैक्टर को डिस्कवर सबसे पहले देखा गया रीसस मंकीज में इस फैक्टर को देखा गया, इसलिए इसका नाम RH फैक्टर रखा गया. दिस इज फर्स्ट पॉइंट अबाउट RH फैक्टर स्टूडेंट्स. और दूसरे पॉइंट अगर हम लोग बात करें, अब हम लोग ये समझते हैं कि RH फैक्टर क्या होता है, क्यों जरूरी है. मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, और जब भी कभी हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस करनी पड़ती है तो हमें पहले ब्लड ग्रुप को टेस्ट कराना पड़ता है. उसी तरह एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, हम लोग को RH फैक्टर भी चेक कराना पड़ेगा जब कभी हम ब्लड को क्या करेंगे, ट्रांसफ्यूज करेंगे. तो जो हमारे मैंने आपको कार्ल लैंडस्टीनर का नाम बताया था कि उन्होंने ब्लड ग्रुप का डिस्कवरी की थी, उसी तरीके से लैंडस्टीनर और वेनर ने, दो साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स. लैंडस्टीनर, लास्ट वीडियो में मैंने आपको लैंडस्टीनर के बारे में बताया था कि उन्होंने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया. और लैंडस्टीनर और दूसरे हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वेनियर, इन दोनों ने मिलकर RH फैक्टर पे काम करा और उन्होंने बताया कि जो RH फैक्टर था ये कुछ भी नहीं था, नथिंग मोर देन एन एंटीजन. ये एक एंटीजन था, और आप ऐसा कह सकते हैं दिस इज अ प्रोटीन, प्रेजेंस ऑफ ए प्रोटीन. सो दे डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ ए प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ, ये प्रोटीन कहां पर था स्टूडेंट्स, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी के सरफेस पे ये प्रोटीन मिला था, और इसीलिए इसका नाम सबसे पहले रीसस मंकीज में देखा गया, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया स्टूडेंट्स, रीसस फैक्टर. आपको ये पॉइंट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और इसको मेमोराइज करना है. और सबसे पहले इसको आरबीसी के सरफेस पे देखा गया स्टूडेंट्स, नथिंग मोर देन अ प्रोटीन, इज अ प्रोटीन बेसिकली. चलिए हम लोग नेक्स्ट इसके बारे में और कुछ पॉइंट को डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये होगा कि जो जितने भी ब्लड ग्रुप्स हम लोगों ने स्टूडेंट्स पढ़े थे ए बी और ओ, फोर टाइप के, उनमें हम लोग RH फैक्टर को भी हम लोग किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, वी डिटरमाइन RH फैक्टर जेनेटिकली. ओके, एंड वी ऑल आर बोर्न विद अ पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप. हम सभी को पता है कि हमारा एक पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप है जो कि हमें बाय बर्थ मिला. अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो एंटीजन आरबीसी के सर्फेस पे प्रेजेंट है, ये दो तरीके से हो सकता है. हम लोग बोल सकते हैं या तो RH पॉजिटिव होगा या तो RH नेगेटिव. ओके स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर एंटीजन. ये जो एंटीजन है अगर ये प्रेजेंट है देन वी विल कॉल्ड एज RH पॉजिटिव, इफ इट इज एब्सेंट देन वी विल कॉल्ड एज RH नेगेटिव. अगले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन है वहां पे 90% पॉपुलेशन का जो RH फैक्टर है वो RH पॉजिटिव देखा गया. 85 से 95% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उनमें RH फैक्टर देखा गया और उस RH फैक्टर को RH पॉजिटिव बोला गया. जिन भी पर्सन के पास RH फैक्टर होगा, ये RH एंटीजन होगा, ये प्रोटीन होगा उनके आरबीसी में, उसको हम लोग RH पॉजिटिव बोलेंगे. और जिनके पास ये फैक्टर नहीं होगा स्टूडेंट्स, दे विल कॉल्ड एज RH नेगेटिव. एंड दिस फैक्टर इज प्रेजेंट अलोंग विद ऑल द ब्लड ग्रुप्स. जितने भी हम लोगों ने स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फोर टाइप्स के ब्लड ग्रुप थे हम लोगों के पास, जैसे कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स हम लोगों ने पढ़े थे. चार तरीके के थे बेसिकली, ए बी और ओ, फोर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स वी हैव डिस्कस्ड, एंड एनी ऑफ द ब्लड ग्रुप कुड बी RH पॉजिटिव. हो सकता है RH इस ब्लड ग्रुप के साथ RH फैक्टर पॉजिटिव हो सकता है RH फैक्टर नेगेटिव हो.
ज्यादातर 90% पॉपुलेशन में ऐसा देखा गया कि जो ब्लड ग्रुप था वो आरएच पॉजिटिव था, और जो आरएच नेगेटिव इंडिविजुअल्स थे दे डू नॉट हैव एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरएच फैक्टर। दूसरी बात, हम लोग स्टूडेंट्स ऐसा भी कह सकते हैं, जब भी आरएच फैक्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो दो कंडीशन, पहला तो इम्पोर्टेंस इसकी जब भी हम लोग कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था, व्हेन वी आर गोइंग टू ट्रांसफर ब्लड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, जब भी हम कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे होंगे। और दूसरी कंडीशन आती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंडीशन, बिकॉज आरएच नेगेटिव ब्लड रिस्पॉन्ड अगेंस्ट आरएच पॉजिटिव। प्रेगनेंसी में क्या होगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप ऐसे समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो आरएच नेगेटिव वाला ब्लड होगा वो रेस्पॉन्ड करेगा अगेंस्ट आरएच पॉजिटिव ब्लड के बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट आरएच फैक्टर। ये इसको रेस्पॉन्ड देगा, इसके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज यहाँ पे बनाएगा, एंटीबॉडीज दे आर आल्सो बेसिकली प्रोटीन्स। तो जो आरएच नेगेटिव है ब्लड इसको हम लोग आरएच पॉजिटिव में ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, बट व्हेन आरएच पॉजिटिव ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड इनटू आरएच नेगेटिव, ये आरएच नेगेटिव वाला आरएच पॉजिटिव में तो जा सकता है नो प्रॉब्लम, लेकिन आरएच पॉजिटिव वाला आरएच नेगेटिव में जब आएगा जो आरएच नेगेटिव रेसिपिएंट होगा ये क्या करेगा, कुछ आरएच एंटीबॉडीज बनाएगा और उसकी वजह से जो ब्लड सेल्स है वहां पे क्लंपिंग होने लगेगी, देयर विल बी प्रोसेस ऑफ क्लंपिंग इन ब्लड सेल्स एंड दे मे बी फैटल, और ये कभी कभी फैटल भी हो सकता है स्टूडेंट्स। तो कई बार स्टूडेंट्स ऐसा देखा गया अगर मदर का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है चाइल्ड का आरएच पॉजिटिव है, सम आरएच पॉजिटिव रेड ब्लड सेल्स ऑफ द फीटस में लीक अक्रॉस प्लेसेंटा, अगर मदर आरएच नेगेटिव है और चाइल्ड आरएच पॉजिटिव है तो कुछ जो आरबीसी है फीटस के वो लीक कर जाते हैं प्लेसेंटा के अक्रॉस टू द मदर्स ब्लड, और आरएच नेगेटिव जो मदर थी हमारी रेस्पॉन्ड करेगी बहुत सारे एंटीबॉडीज बना के अगेंस्ट दैट डेवलपिंग फीटस। तो नॉर्मली जो फर्स्ट कंडीशन में जो चाइल्ड होगा, फर्स्ट चाइल्ड विल बी सेफ बिकॉज यहाँ पे जो आरएच एंटीबॉडीज अभी बन नहीं पाएंगे, बट जब सेकेंड टाइम ये कंडीशन आएगी स्टूडेंट्स तो उस कंडीशन को हम लोग समझते हैं, उस कंडीशन को एक पर्टिकुलर टर्म दिया गया है स्टूडेंट्स, और उस टर्म को हम लोग ने बोला हुआ है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो चलिए इसको समझते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस क्या है, एरिथ्रो ब्लास्टोसिस फीटलिस, फीटलिस वर्ड फीटस से आया, एरिथ्रो एरिथ्रो मीन्स एरिथ्रोसाइट्स की बात हम लोग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब सेकेंड टाइम उस मदर जो हम लोगों ने देखा कि आरएच नेगेटिव मदर थी और जो उसका डेवलपिंग फीटस था वो आरएच पॉजिटिव थी पॉजिटिव था, तो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी वहां पे नो प्रॉब्लम, दैट विल नॉट कॉज एनी हार्म टू द डेवलपिंग फीटस, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल फर्स्ट प्रेगनेंसी। लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी की अगर हम लोग बात करें, सेकेंड टाइम व्हाट विल हैपन इफ द चाइल्ड इज अगेन आरएच पॉजिटिव, और अगर जो चाइल्ड है वो हमारा फिर से आरएच पॉजिटिव है, then the rhesus antibodies of the mother's blood diffuse into the fetal blood and it will attack and destroy total RBC, aur is condition mein jo RH positive hamara child hoga wahan pe massive destruction hoga kiska students RBCs ka, there will be destruction of massive destruction of RBC, RBC yahan pe destruct ho jayenge rupture ho jayenge, aur इमेच्योर न्यूक्लिएटेड आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोब्लास्ट कह देते हैं। ये जो एरिथ्रोब्लास्ट वर्ड आया है स्टूडेंट्स आप इसको मार्क कर लें, ये जो एरिथ्रोब्लास्ट वर्ड है इसको हम लोग बोलेंगे इमेच्योर। व्हाई इट इज कॉल्ड इमेच्योर, इमेच्योर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है मैसिव डिस्ट्रक्शन हो गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इमेच्योर न्यूक्लिएटेड आरबीसी which is called as erythroblast students। और क्या होगा वो सर्कुलेशन में चला जाएगा और इस कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं erythroblastosis fetalis। Sometimes इसको हम लोग एक नाम और दे सकते हैं, that is a hemolytic disease। Actually hemo word I think you all know, hemo hemoglobin it is found in RBC, hemolytic disease of newly born baby and it may lead to the birth of premature or anemic child। इस कंडीशन में कभी कभी जो हमारा चाइल्ड होगा वो सफरर हो जाएगा एनीमिया नाम की डिजीज का,
मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका हीमोग्लोबिन जो कंटेंट है वो काफी डाउन हो जाएगा और चाइल्ड समटाइम्स सफर फ्रॉम जॉन्डिस ड्यू टू एक्सेस ऑफ बिलिरुबिन. कभी कभी यहाँ पे उस चाइल्ड को जॉन्डिस भी हो जाता है क्योंकि वहां पे जो बिलिरुबिन है स्टूडेंट्स, बिलिरुबिन नाम का पिगमेंट वो काफी लार्ज अमाउंट में बनने लगता है, विच इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ जब आरबीसी डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं, दैट विल लीड टू द इंक्रीमेंट ऑफ बिलिरुबिन लेवल एंड दिस विल लीड टू द कंडीशन विच इज कॉल्ड एज जॉन्डिस. आप ऐसा समझ सकते हैं जब आरबीसी डिस्ट्रक्ट होंगे तो बिलिरुबिन का कंटेंट बढ़ेगा और उसका जो रिजल्ट होगा, जो आउटकम होगा वो जॉन्डिस होगा. और इस कंडीशन में कभी कभी ब्रेन भी डैमेज हो सकता है और जो इस चाइल्ड का जो ब्लड होगा वो कंप्लीटली हम लोग को क्या करना पड़ता है, ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है हेल्दी ब्लड से उसके बर्थ के समय पे. तो आप ऐसा कह सकते हैं मदर आरएच पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, इट इज वेरी कॉमन टू डिटरमाइन आरएच फैक्टर. आरएच फैक्टर को जानना बहुत जरूरी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले. और अगर मदर आरएच निगेटिव है देन इट इज पॉसिबल टू गिव मेडिकल ट्रीटमेंट. अगर मदर का जो आरएच फैक्टर है वो निगेटिव है तो हम उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं ताकि उसका जो आरएच एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन उसको डिस्ट्रॉय कर सके और जो फीटस है वो डेवलप कर सके नॉर्मली. सो दिस इज ऑल अबाउट द कंटेंट ऑफ आरएच फैक्टर एंड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस. दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जामिनेशंस लाइक एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस. सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन हैव कम फ्रॉम हियर इन योर बोर्ड एग्जाम. सो be very attentive while you are studying this erythroblastosis. What is the condition of erythroblastic cells? Why it is called erythroblastosis fetalis? I told you conditions of pregnancy. So I hope this video is helpful for you students. Thank you dear students for continuously listening me. I hope we will meet soon. Thank you.